love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर गुड. तो आज के ब्लॉग में हम लोग आपको कराने वाले हैं हॉस्टल टूर ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का. तो अभी जो है मैं हूँ CSA में चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्टल के रूम पे. रूम से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको जो है पूरा हॉस्टल दिखाऊंगा और उसके बाद जो है कि फीस वगैरह सब कुछ जो है डिटेल में बताते हैं आपको. भाई सबसे पहले आप मिलो हमारे संतोष भाई से, जिनके रूम पे अभी हम लोग गए और जो आज जो संतोष भाई हमें पूरा टूर कराने वाले और डिटेल्स वगैरह भी देते हैं आपको. तो यह है CSA हॉस्टल. अभी जो है यहाँ पे शाम के टाइम पे बैडमिंटन वगैरह चल रहा है. अभी हम लोग चलते हैं रूम की तरफ और आप लोगों को रूम टूर करवाते हैं. तो यह है कुछ यहाँ पे का रूम. तो यहाँ पे जो है आप लोग को स्टडी टेबल वगैरह, लाइट्स वगैरह सब कुछ मिलती है. यहाँ पे आराम से जो है स्टडी वगैरह कर सकते हो. और एक्स्ट्रा टेबल है और बेड्स वगैरह है. तीन बेड है इस रूम पे, जो है तीन जने रहते हैं. और ये गद्दे वगैरह ये सब जो है फर्नीचर आप लोगों को यहीं मिलेगा. और एक जो है कबर्ड मिलेगा आपको, सबके पर्सनल कबर्ड है. एक यह है और एक यह है और एक यह है. तीन कबर्ड है, तीनों को जो है पर्सनल कबर्ड मिलेंगे. गाइस कबर्ड भी खोल दिया आप लोगों के लिए. ये देखिए, ये जो है पूरे तरह से कबर्ड मिलेंगे. अपने बैग्स वगैरह और कपड़े वगैरह यहाँ पर रख सकते हो आप सभी लोग. और बाकी तो बाकी सब कुछ दिखाई दिया आपको. ये रैक्स वगैरह है बुक्स वगैरह रखने के लिए. और बाकी तो अभी रूम वगैरह सब ऐसे ही पड़े कपड़े वगैरह, क्योंकि बॉयज़ रूम है, पता है कैसा होता है क्यों बॉयज़ का ऐसे ही रहता है. और यह है वॉशरूम्स. यहाँ पे ये हैंड वॉश और जो है नहाने के लिए गीज़र वगैरह मिलेगा आप लोगों को. ऐसी जो है चार चार है. और यह है, और इसके बाद जो है मैं बताऊँ यहाँ पे ऐसी जो है दो है हर एक फ्लोर के लिए जो है. और जो है अलग अलग नहीं है, कंबाइन है जितने भी जो है इस फ्लोर वाले हैं. और एक वहाँ पे जितने भी इस फ्लोर वाले हैं वो इन दोनों को यूज़ करते हैं, सेपरेट नहीं है वॉशरूम्स. बात करते हैं हॉस्टल की फ़ीस की और आउटिंग वगैरह की. हमारे संतोष भाई बताएंगे. संतोष भाई बताओ यहाँ की जो है फ़ीस वगैरह क्या है. जो हॉस्टल फीस है वो 98,000 है प्लस 500 सिक्योरिटी मनी. हाँ. और बात करते हैं इसकी आउटिंग की, तो संडे आउटिंग ऑन रहती है बॉयज़ के लिए. और कॉलेज टाइम पे मॉर्निंग 7 से इवनिंग 8 पीएम तक एंट्री अलाउड होती है फॉर हॉस्टल बॉयज. और कहते हैं गर्ल्स, गर्ल्स वगैरह का क्या आउटिंग वगैरह का. गर्ल्स की आउटिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट है बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी. सो उनके अगर कहीं कभी आउटिंग चाहिए रहती तो आउटिंग फॉर्म भरना पड़ता है प्लस पेरेंट्स की परमिशन वगैरह चाहिए होती है. और जैसे संडे वगैरह को जाना है तो सब अलाउड है. अलाउड है बट पेरेंट्स की परमिशन. हाँ, पेरेंट्स की परमिशन थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है. हाँ. बिकॉज़ ड्यू टू देयर. और जो है शाम को मीन्स कैंपस में घूमने. हाँ, शाम को कैंपस में घूम सकते हो. हाँ. 8 पीएम तक, 8 से 9 खाना पीना होता है. हाँ. फिर 9 से 9:30 बजे तक तुम ग्राउंड में घूम सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो. हाँ. 10 बजे तक अपने रूम में पहुँच जाओ. हाँ. पढ़ाई वढ़ाई करके जो तुमको करना होता है. ठीक हो गया. आज अभी चलते हैं हम लोग दूसरे हॉस्टल पे, वहाँ के भी आपको रूम्स वगैरह दिखाते हैं. सरदार पटेल जो है हॉस्टल का नाम है. मैंने आपको इस वाले हॉस्टल के रूम्स वगैरह दिखाए थे. इसके जस्ट बगल में जो है दूसरा हॉस्टल है. यहाँ पे चलते हैं हम लोग और यहाँ के रूम्स वगैरह दिखाता हूँ, सरदार पटेल हॉस्टल. और यहाँ से एंटर करते ही जो है हमें मेस वगैरह मिल जाती है यहाँ पर हाथ धोने का. और यह कुछ मेस यहाँ की, मस्त TV भी लगी हुई है. यहाँ पे TV देखते हुए खाना खाओ आप लोग. अंदर को भी चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को मैं. ये देखिए यहाँ पे जो है खाना वगैरह सब होता है. और ये कुछ किचन यहाँ का, और सेम वही खाना यहाँ पे मिलता है. और उसके बाद यहाँ पे जो है खाना खाने के बाद प्लेट्स वगैरह धुलती है. और यह कुछ मैस इस हॉस्टल का. सुबह नाश्ते में यहाँ पे आलू पराठा, दही और अचार है. यहाँ है चावल, कढ़ी, सब्जी. घर में भिंडी की सब्जी, चावल, चने की दाल और यह खीर. मैस के जो है जस्ट ऊपर जो है हॉस्टल है यहाँ पे सरदार पटेल में. और मेरे पीछे जो है ये पूरा हॉल है.
एंट्रेंस का, और यहाँ पे जो है टीटी वगैरह भी खेल सकते हैं, पे टीटी कैरम खेल सकते हो आप लोग। और यहाँ पे है वॉशरूम, वॉशरूम दिखाता हूँ आप लोगों को। यह है कुछ यहाँ के वॉशरूम्स। चलते हैं रूम की तरफ। यह है कुछ रूम हॉल जैसा यहाँ का, जो है चार बेड है और अलमीरा वगैरह। और यह है स्टडी टेबल्स। ज़्यादातर जो है इन फर्स्ट ईयर्स वाले रहते हैं यहाँ पे, जो भी फर्स्ट ईयर आएंगे उनको जो है ये हॉस्टल्स मिलेंगे। और यहाँ की फ़ीस वगैरह क्या है? सेम फीस है दोनों की, अच्छा एक बेड ज़्यादा शेयरिंग, वही एक बेड ज़्यादा है। फीस वगैरह सही है, मतलब फीस तो सिंगल सिंगल पड़ती होगी सभी को, वन लेख अप्रोक्स के लिए। सेपरेट जो है कवर्ड्स वगैरह मिलेंगे आप लोगों को। यह है यहाँ के कुछ कवर्ड्स, बैग्स वगैरह और कपड़े वगैरह रखने के लिए। और जो सेपरेट जो है टेबल्स है, स्टडी टेबल्स यहाँ पे। और सामने पे है इस हॉस्टल के फुटबॉल ग्राउंड, जो यहाँ पे शाम को फुटबॉल वगैरह और वॉलीबॉल खेलो आप लोग। 8 बजे तक का जो है अलाउड है, 8 बजे तक आप लोग कुछ भी खेल सकते हो, गेम्स वगैरह। और सामने CSIT ब्लॉक, और वहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज, अभी ये है कंस्ट्रक्शन पे, और बट क्लासेस वगैरह जो है स्टार्ट हो चुकी है। सो ये है रवि भैया की कैंटीन, ये खुली रहती है शाम को 8 बजे तक। ये है कुछ कैंटीन, देख लो आप लोग। और इसी के जस्ट ऊपर है बैठने का, और ये रही कैंटीन हमारी। और यहाँ पे बैठने का है, यहाँ पे बैठ सकते हो आप लोग, आराम से बैठ के खाओ। और यह है कुछ व्यू कैंटीन का। कैंटीन के जस्ट बगल में है ये कैफेटेरिया, जो नीचे देख रहे हो आप, ये है कैफेटेरिया। और यह है इंडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हो यहाँ पे आप लोग, एक कैरम, टेबल टेनिस वगैरह है, और पूल वगैरह भी है यहाँ पे। ये देखो गाइस, ये सारा यहाँ पे खेलो आप लोग। कैफेटेरिया, ये स्पोर्ट्स, और इसके जस्ट ऊपर है जिम। अभी जो है जिम की तरफ चलते हैं हम लोग। गाइस ये है जिम, अभी जिम दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से जो है मशीनें वगैरह स्टार्ट है जिम की, और 700 रुपये जो है फीस है जिम की। मस्त वगैरह बनाओ आप यहाँ पे। देखो अभी जो है शाम के टाइम सब लोग जिम वगैरह कर रहे हैं, सारे बॉडी बिल्डर यहीं मिलेंगे आपको ग्राफिक वगैरह के। यार जो भाई है हमारे हरियाणा से, और अभी पहलवानी के सपाटे मार के दिखाएंगे भाई हमारे बॉडी बिल्डर। पे भाई जो है एक्सरसाइज मार रहे हैं अभी, बॉडी देखो भाई की मस्त, बहुत बढ़िया ब्रो, लगे रहो। अभी ये जो है चेस्ट की एक्सरसाइज है, जो है बैक मार के दिखाएंगे हमें। बॉडी तो ग्रेट है भाई की, खूब मेहनत की है, पता चल रहा है भाई ने जिम में खूब पसीना बहाया है। बैक देख रहे हो भाई की, कहते सब जो है कट्स वगैरह आए हुए हैं। जिम के जो है 2 फ्लोर है, अभी जो हम लोग नीचे थे, और अभी दूसरा ये ऊपर। और यहाँ पे से जो है सारी मशीन्स वगैरह, रनिंग मशीन्स लगाई हुई है यहाँ पे। और यह है कुछ ऊपर वाला फ्लोर यहाँ पे का, ये देखो गाइस, ये यहाँ पे जो है भाई। और यहाँ पे हमारे सारे बॉडी बिल्डर्स बॉडी बनाते हुए। और गाइस ये दोनों सर है यहाँ के ट्रेनर्स, तो सर यहाँ के बारे में बताओ कुछ, फीस वगैरह और कितने बजे तक खुले रहता है? यहाँ की 700 रुपये फीस है बच्चे। अच्छा 700 रुपये फीस। मॉर्निंग सुबह 6 बजे खुलता है, 9 बजे बंद होता है। हाँ इवनिंग में 4 बजे खुलता है, 8 बजे बंद होता है। अच्छा ठीक। शाम को जो है बच्चे मिलेंगे आपको एंजॉय करते हुए, गाना वगैरह गा रहे हैं सामने देखो, और जो है बाकी घूम रहे हैं सभी अभी कैंपस में नाइट में।
गाइज हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है और इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों को, तो अगर अभी भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे जो कमेंट से भी पूछ सकते हो आप सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही, होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। जैसे वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।